की धुआंधार एंट्री के साथ वेलकम टू दी धुआंधार एपिसोड ऑफ एडम शेफ। क्या बात है शेफ, छा गए आप, छा गए। चलें कुछ एनर्जी के साथ स्टार्ट किया जाए ताकि बच्चों में भी एनर्जी और धुआंधार परफॉर्मेंस के बाद तो ये एपिसोड फुल धुआंधार ही होना चाहिए। यस यस ये मैं ये कहूंगा कि इस धुआंधार परफॉर्मेंस के साथ जो है ना सिर्फ पार्टिसिपेंट्स में एनर्जी नहीं बल्कि पूरी टीम में जो है ना इस वक्त एनर्जी आई है और सब जो है ना इस वक्त फुल एनर्जेटिक हुए हैं। बिल्कुल जबरदस्त स्टूडियो में एनर्जी इस वक्त उरूज पर है और अब देखना ये है कि पार्टिसिपेंट्स के हौसले कितने उरूज पे हैं। यस राइट बिल्कुल, तो हम अपनी अपनी पोजीशन संभाल लें, चलें आए। जी पार्टिसिपेंट्स, तो क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है यानी ठीक को नहीं करें? नहीं, हाँ थोड़ा सा कुछ तो ट्विस्ट होना चाहिए, आज तो धुएं निकलने चाहिए क्योंकि धुआंधार एंट्री हुई है भाई। तैयार हैं आप सब? यस शेफ। चलें जी, आप लोगों ने देखा पिछले एपिसोड में हमने तीन पार्टिसिपेंट को एक टास्क दिया था, वो टास्क पे वो पूरे उतरे, उन्होंने कोशिश की, अपनी पूरी पूरी कोशिश की, जी जान लगाई, खून पसीना भी बहाया, लेकिन किसी एक को तो एलिमिनेट होना था और वो गलती कहाँ थी उनको पता था, तो इसलिए वो एलिमिनेट भी हुए। और हम आज हमारे साथ यहाँ पे नहीं हैं, ये हैं वो खुशनसीब जो आज हमारे इस राउंड में हमारे साथ हैं। इनमें से भी आज हम तीन लोगों को सिलेक्ट करेंगे और उन तीन लोगों को भी टास्क दिया जाएगा, लेकिन ये टास्क क्या होगा आपको बताते हैं कुछ ही देर में। लेकिन शेफ जलाल, तो शेफ पहले सिलेक्ट कर लें कि कौन कौन। बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं, पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, सेम रखते हैं कि एक मैं चूज करता हूँ, एक आप चूज करें जी, एक शेफ चूज करेंगे। डन ठीक है, तो मेरे पास इस टीम से बैतूल हैं, बैतूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। बैतूल आप सेंटर में आ जाएं जी। हर किसी को इंडिविजुअली परफॉर्म करना था तो इसमें थोड़ी आपकी जाहिरी बात है आपको थोड़ा मुख्तलिफ नज़र से जज किया जाने वाला था, लेकिन हमें ये नहीं पता था हम क्या बनाने वाले हैं। पहले जो चार लोग थे उनको एक डिफरेंट कुजीन दिया गया था और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो थोड़ी घबराहट थी कि भाई मुझे क्या आने वाला है आज के टास्क के लिए। वहां से मुजम्मिल को बुलाओ, मुजम्मिल नहीं नहीं, वो चारा यूं कर रहा है, नहीं बुला लो तुम्हें, सोच लो हैं? नहीं नहीं चले सलमान नहीं, क्यों नहीं, आज क्या है टास्क, क्यों नहीं, अभी एक और देखना है राउंड होते हुए। तसल्ली, मुझे तसल्ली तो नहीं देनी है आप लोगों को, समझ क्यों नहीं रहे हो। खैर राफिया आप आ जाएं। आपकी बारी। जी, नुमान। चले जी, टीम कंप्लीट हो गए। राफिया का चेहरा देखो ऐसा लग रहा है ये बहुत ज्यादा परेशान है। पहले जो तीन राउंड्स थे उनमें तो आप ग्रुपिंग में काम कर रहे थे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का भी आप इशू कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हो के चीज़ें गलत हो रही थी, लेकिन थर्ड राउंड में फोर के बजाय थ्री स्टेशंस थे और सब ने इंडिविजुअली काम करना था। अब तो आप किसी को ना ब्लेम दे सकते थे ना आप किसी के साथ कुछ भी किसी को इल्ज़ाम दे सकते थे, आपने अपना परफॉर्म करना था और अपना बेस्ट देना था और ये चीज़ मुझे लिटरली अंदर से जो है वो पंप करी थी कि राफिया अब तुम कुछ कर सकती हो, अब अपने आप को दिखा दो। नहीं क्या हुआ है तुमको? नुमान तो सरप्राइज हो गया बिल्कुल, मैंने कोई वो तमीज नहीं बांधी ना, मैंने डायरेक्टली बुला लिया नुमान। चलें जी, आप तीन पार्टिसिपेंट्स अपने अपने काउंटर संभाल लीजिए और बाकी के पार्टिसिपेंट्स पीछे जाके बैठ जाइए और इनको देखें और जो कुछ ये कर रहे हैं उससे सीखें। गुड, तो आप लोग अपने अपने काउंटर्स पे
पहुंच गए हैं, देख लें हर चीज आपके पास अवेलेबल है। आपके राइट साइड पे भी पेंट्री है, आपके लेफ्ट साइड पे भी पेंट्री है। एडम्स शेफ के दोनों चिलर्स लगे हैं जिसमें एडम्स शेफ के योगर्ट, रायता, मिल्क, चीज, कॉटेज चीज, मोजरेला चीज, स्लाइस चीज, तमाम चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है जी, और अब आप लोगों का टास्क क्या होने वाला है? लास्ट टाइम हमने दिया था पास्ता, आपको लग रहा है आज ही पास्ता ही होगा? नहीं, आज क्या हो सकता है? एनी गेसेस? दिमाग तो लगाया है आपने रात भर। जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। क्या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे? अभी तक वही हुआ है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। नौमान, कुछ न्यू होगा, कुछ न्यू होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ न्यू होगा, कुछ न्यू होगा, कुछ न्यू होगा। ठीक है, चलें। तो शेफ, न्यू आप लोगों के लिए आज का जो टास्क है जिसमें कॉम्प्रोमाइज आप कर नहीं सकते, आपकी छोटी सी छोटी गलती भी जो है ना वो भी पकड़ी जाएगी, वो इग्नोर नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा अपना टेस्ट है। ठीक है, आज आप बना रहे हैं पाकिस्तानी फूड, ठीक है, और इसमें आपके पास एक वास्ट ऑप्शन है। ठीक है, जो आप बनाना चाहते हैं आप बनाएं, बट अगेन एडम्स की जो प्रोडक्ट है उनको आपने स्टार प्रोडक्ट रखना है। सही है, अपनी रेसिपीज में उनको स्टार रखना है, चाहे वो आप मोजरेला यूज़ करें, चेडर, कॉटेज, योगर्ट, मिल्क, बटर, एनीथिंग, कुछ भी यूज़ करें आप, बट उसमें उसका फ्लेवर परमानेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब अनाउंस हुआ कि हम लोग जजेस के मुताबिक हमें कुजींस मिलेंगी, जजेस के मतलब, क्योंकि मैंने बताया हुआ था कि मैं बेकिंग में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मुझे ये था कि मुझे बेकिंग तो मिलेगी नहीं, बेकिंग तो मुझे मिलेगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं बेकिंग कर लूँगा मैं बेकिंग, मुझे ये पता था कि बेकिंग नहीं मिलेगी। अमेरिकन के साथ थोड़ा था कि अमेरिकन के साथ थोड़ा सा काम किया हुआ था, बर्गर्स वगैरह बनाए हुए थे, स्टेक्स वगैरह बनाई हुई थी, तो अमेरिकन में ये था कि आ जाए, अमेरिकन में कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानी का और चाइनीज़ का या थाई का, कॉन्टिनेंटल का, इटालियन भी कर जाता मैं, पर पाकिस्तानी का मुझे बहुत डर था क्योंकि मैं पाकिस्तानी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, तो मुझे ये था कि मैं पाकिस्तानी कैसे बनाऊँगा। सबसे ज़्यादा जो डर था ना वो मुझे पाकिस्तानी का था। और हुआ ये कि जब आया, शेफ़ ने कहा कि आप लोग आएंगे, कौन आया मेरे साथ, एक इस्लामाबाद की लड़की आई और एक मुल्तान की लड़की आई, तो यहाँ पे बात आ गई थी कि लाहौर को प्रेजेंट करना है और लाहौर को लेके आगे चलना है, तो एक इज़्ज़त पे भी बात आ गई थी कि लाहौर है अब, तो लाहौर को बिल्कुल भी बदनाम नहीं होने देना था। तो ये था कि अब होगा क्या, क्या करेंगे। तो जजेस ने जब अनाउंस किया कि हम लोग पाकिस्तानी बना रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया, मेरी मतलब के मतलब मुझे समझ ही नहीं कुछ आ रहा था, क्योंकि टाइम नहीं था ना, कुछ सोचा हुआ था ना कुछ किया हुआ था, सोचा हुआ था कि इटालियन में कुछ आ जाएगा, चाइनीज़ में कुछ आ जाएगा या कॉन्टिनेंटल में कुछ आ जाएगा, पर नहीं, बेकिंग में भी नहीं आया। तो हुआ ये कि पाकिस्तानी मिल गया, पाकिस्तानी मिला, तो मैं सोच रहा था मैं क्या बनाऊँ। खैर 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर मैंने अपनी डिश डिसाइड कर ली, 1 मिनट के अंदर, मुझे अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने 1 मिनट के अंदर अपनी डिश डिसाइड कर ली। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी में एक रिवायती जायका आए और रिवायती लज्जत और खुशबू आए, क्या बात, तो आपके पीछे और आपके साइड्स पे पैंट्री में एडम्स का घी है, देसी घी है एडम्स का। और क्योंकि हम देसी ही कुजीन की तरफ जा रहे हैं, तो वही हमारे देसी रिवायती जायके और लज्जत के लिए मेरी सजेशन है, एडम्स का देसी घी यूज कीजिएगा। अच्छा, इसमें ना, इसमें शेफ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी बात कंप्लीट हो गई शेफ, काटने से पहले गुलजार भाई बोल रहे थे। अच्छा। तो हमारे पास एक स्टेशन पे मुल्तान की है, दूसरे स्टेशन पे लाहौर, तीसरे स्टेशन पे इस्लामाबाद, तो 3 रीजन के हमारे पास, अभी 3 सिटीज के हमारे पास लोग हैं। ठीक है, तो आप तीनों ये सोच के खाना बनाइएगा कि आप अपने शहरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं एक सवाल मेरा ये है कि यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है, आपका, अब तो हम, आपको पता चल गया कि हमने आपको जो टास्क दिया है वो देसी का दिया है,
क्या बनाएंगी? सर मैं एडम की चीज और मिल्क उसको छोड़ दें, रेसिपी का नाम कुछ सोचा अभी या स्टिल? जी सर व्हाइट में होगा, व्हाइट चिकन कढ़ाई या हांडी में। वो अभी भी परेशान लग रही है शक्ल से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बनाओगे? जस्ट मैंने सोचा मैं कसूरी बोटी बनाऊंगा। कसूरी बोटी? जी कसूरी बोटी बनाऊंगा। कसूरी मेथी, कसूर है वैसे, ड्राई कसूरी मेथी डालूंगा उसके अंदर, और उसके साथ मैं पूरियां बनाऊंगा। पूरियां भी बनाएंगे तो मैं एडम्स के घी में कोशिश करूंगा कि इसको तलूं। ठीक है, पूरी रेसिपी का नाम पूछ रहे हैं, बाकी तो आप बताएंगे बाद में। आप क्या बनाएंगे? मैं देसी घी कढ़ाई। देसी घी कढ़ाई, वाह क्या बात है। ऐसी कढ़ाई बनाइएगा कि इस्लामाबाद में हम खाएं तो हमें लाहौर जैसा मजा आए। ठीक है? अच्छा, आप तीनों के लिए ये है कि मेन कोर्स से हटकर साइड लाइन के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। और सबसे आपको फायदेमंद जो चीज होने जा रही है, और आपके लिए खास तौर पर, एक तो एडम्स का आपके पास बटर है, और दूसरा एडम का आपके पास योगर्ट भी है। ठीक है? और साइड लाइन के तौर पर अगर आप जैसे कसूरी, जिसका कोई कसूर नहीं है, बोटी बना रहे हैं, तो उसके लिए रायता भी मौजूद है, और बहुत सारे फ्लेवर के अंदर भी है रायता, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शंस आपके पास देसी में बेतहाशा हैं। ठीक है? और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा सा परफॉर्म करेंगे और हमें खुशी होगी। और कढ़ाई जो है ना, वो वैसे भी मेरी पसंदीदा डिश है, तो देखते हैं। तो आप फंस गए समझे? कढ़ाई में मैं वाकई फंस गए, तो कॉम्प्रोमाइज तो होगा नहीं। इसलिए कि मैंने सिर्फ कढ़ाई के लिए ना पूरे पाकिस्तान का टूर किया है, सिर्फ कढ़ाई को चेक करने के लिए। ठीक है ना? कि खैबर पख्तूनख्वा की कढ़ाई कैसे बनती है, बलूचिस्तान की कढ़ाई कैसे बनती है, पंजाब के लोग किस तरह से कढ़ाई बनाते हैं, और सिंध के लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है? अब आप हमसे बच नहीं सकते हैं। ठीक है? फिर मैं आपसे इसमें डिटेल में बात करती हूँ कि कैसे पेशावरी कढ़ाई, कढ़ाइयों के नाम है वो कैसे होते हैं। चरसी कढ़ाई, पहले चरसी कढ़ाई, लेकिन पहले पार्टिसिपेंट्स को काम पे लगा दें। ओके, आर यू रेडी? यस सर। आपके पास वक्त है 40 मिनट्स का, 40 मिनट्स, बिकॉज जो पीछे बैठे हुए हैं वो शक्लें ना देखें, उनको बता दूं मैं, क्योंकि आप लोग करी बना रहे हैं, देसी बना रहे हैं, दैट्स व्हाई 40 मिनट्स यू हैव, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा चलिए देखें जी, एडम्स के दही की एक खास बात ये है, मैंने वहां से देखा, बिल्कुल भी कर्डल नहीं हुआ कि इन्होंने दही डायरेक्ट पैकेट से डाल दिया। मैंने कहा आपने इसको विस्क नहीं किया? ही सेड नहीं, मैंने नहीं किया। जब मैंने आके देखा तो बिल्कुल भी एडम्स का योगर्ट कर्डल नहीं हुआ, आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ ग्रेवी आई है। पहले मैं बना चुका हूं, एडम्स के योगर्ट में नहीं हुआ था। अरे वाह क्या बात है, और एडम्स का योगर्ट बनता है फ्रेश दूध से, और बहुत ही हेल्दी होता है ये, इसमें कैल्शियम है और प्रॉपर टेस्ट आता है, एक क्रीमी रिच फ्लेवर आता है। अगर अपनी करीज में या अपने खानों में आप एक क्रीमी टेक्सचर देना चाहते हैं, एक बहुत ही अच्छा सा एक ग्रेवी देना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ एडम्स का योगर्ट, और बहुत ज़बरदस्त है, आप देख भी सकते हैं। अभी से चिकन ही टेंडर हो रही है, वो एक जगह भुनाई हो रही है चिकन की, और दूसरी जगह ये ऑलमोस्ट नौमान की हो चुकी है, तो ये मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद जो है ना वो बड़ा फास्ट चल रहा है, जिस तरह से ये फ्लोर पे भाग रहा है ना, तो मुझे लगता है हमने इस्लामाबाद में जो क्लास ली थी ना शेफ, हाँ, वो थोड़ी सी काम आ गई है, या यहाँ देख के स्पीड अप हुए हैं ये। शुरू से थोड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर, क्योंकि दो मेरे साथी बाहर निकल चुके थे,
और मुझे इस कंपटीशन में क्वालिफाई करना था। और साथ जब देसी का टैग लग गया तो आई वॉज रिप्रजेंटिंग पाकिस्तान, तो मुझे अपना बेस्ट देना था। और मुझे इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना था कि मुझे एडम्स की प्रोडक्ट से कुछ बेहतर बनाना है, कुछ वेरिएशन देनी है। गाइस 17 मिनट रह गए आप लोगों के पास, अभी मेरे ख्याल से टाइम बहुत है, बहुत टाइम है, और मुझे लग रहा है ये लोग आराम से कर लेंगे, आराम से बना लेंगे। क्या लगता है आप लोगों को, कर लेंगे? कर लेंगे। हाँ, पूरी यहाँ बना रहे हो कि पूरी बना रहे हो? एक पूड़ियाँ बनाऊंगा मैम, इसको मैं कट करूंगा, मैंने कटिंग ये रखे हुए हैं कटिंग के लिए। okay. इसको मैं से कट करूंगा। Impressive. Yeah. मैंने सोचा था कि मैं कसूरी बोटी बनाऊंगा और साथ में उसके पूड़ियाँ बनाऊंगा, पूड़ियाँ तलूंगा, फ्राई करूंगा एडम्स के देसी घी के अंदर, क्योंकि एडम्स का कॉन्सेप्ट लाजमी देना था हमने। एडम्स का कॉन्सेप्ट लेके मैंने चलना था, तो एडम्स के देसी घी के अंदर मैंने अपनी छोटी साइज की पूड़ियाँ बनाई, वो फ्राई की, साथ मैंने कसूरी टिक्का बोटी बनाई, कसूरी बोटी बनाई, और मैंने उसको सर्व किया साथ साथ में मैंने एडम्स का रायता रखा उसके। मैंने जैसा माइंड में सोचा था कि मैं वैसी प्लेटिंग दूंगा, तो उस दिन ये था कि मेरी लक भी थी, शेफ़ जलाल भी मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा था शेफ़ जलाल की तरफ से, मेरे साथ जो पार्टिसिपेंट थे वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब कि इनक्रेज कर रहे थे मुझे, सबसे ज़्यादा इनक्रेजमेंट मुझे मिल रही थी उस वक्त। 3 काउंटर लगे हुए थे, इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर का, तो लाहौर को सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट मिल रही थी, कराची के पार्टिसिपेंट भी मुझे सपोर्ट कर रहे थे, लाहौर के पार्टिसिपेंट भी मुझे सपोर्ट कर रहे थे, कुछ उसमें कराची के इस्लामाबाद को कर रहे थे, कुछ कराची के मुल्तान को कर रहे थे, तो ये था कि मुझे सबसे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेंट जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे। मुल्तान जो है ना कर जाएगा मुझे लग रहा है। मुल्तान ने रोटी में फ्लेवर्स दिए, हर्ब्स के, जीरा रोटी बनाई है। क्या बात है। मैं अंदर से डरी हुई थी और मैं अल्लाह मियां से कही थी कि अल्लाह मियां मेरे लिए जो बेहतर है वो हो, और अल्लाह मियां ने मेरे लिए बेहतरी किया और मुझे पाकिस्तानी कुज़ीन मिल गई। और अब उसमें सोचना ये था कि एडम्स की प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, और मुझे था कि मैं जितना ज़्यादा यूज़ करूँ एडम्स की प्रोडक्ट्स को मैं उतनी शायद ज़्यादा सेफ जाऊँगी। और उस वक्त जो है पाकिस्तानी कुज़ीन में मैंने अपने आप को बताया कि तुम रोज़ घर में खाना बनाती हो तो बस ये जहन में रखो जो तुम्हारे बच्चों को पसंद है ना तुम वो बना दो, वो जजेस को भी पसंद आएगा। टेक इट सिंपल, जस्ट सिंपल, कोई शशकों में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो तुम बना सकती हो अच्छे से बस वो परफॉर्म करो, बाकी छोड़ दो अल्लाह पे। चलें जी, टाइम एंड पर हो रहा है। अच्छा जी, अगर आप देखें तो हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने आज पाकिस्तानी कुजीन को सेलेक्ट किया, सब लगे हुए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह सबकी रेसिपीज जो हैं वो कम्पिटिशन की तरफ है, और होपफुली के अगले 10 मिनट के अंदर जो है इनकी रेसिपीज तैयार हो जाएंगी। और हमने 40 मिनट्स का टाइम दिया था और मेरे ख्याल से 40 मिनट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्या कहते हैं सर? लेकिन हम देसी कुजीन बनवा रहे थे बच्चों से, पार्टिसिपेंट से अपने, तो आई थिंक देसी कुजीन के लिए 40 मिनट्स इज गुड एनफ। हाँ, क्योंकि करी कुक होने में टाइम लगता है, आपकी चिकन की भुनाई होती है, फिर टमाटर गलने में टाइम लगता है, फिर आप योगर्ट यूज करते हैं तो वो पानी छोड़ता है, तो स्लो कुकिंग में प्रॉपर टाइम लगता है। फिर साथ में, अच्छा मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि सब लोग एक कंप्लीट मील बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली कढ़ाई बना के सर्व कर रहे हैं, बिल्कुल रोटी भी बना रहे हैं, पूरियां बन रही हैं, जीरा रोटी बन रही है, तो इट्स रियली गुड। मैंने पहली दफा किसी को देखा है कि वो जो ग्रीन चिली है उसको दुम के साथ डाला है, उससे इसमें अरोमा, जो कढ़ाई का अरोमा होता है वो बहुत अच्छा आता है। अब ये लास्ट में क्या करेंगी, इसमें लास्ट में क्या ऐड करेंगी ये मैं नहीं बता रहा, लेकिन मैं देखूंगा कि आप क्या ऐड करती हैं। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स आपके पास सिर्फ 5
5 मिनट बाकी हैं। ओके मैं काउंटडाउन देने लगी हूं एवरीवन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। लीव इट छोड़ दो, ऐसे का ऐसे ही छोड़ दो, पैन से उतार लो, लीव, स्टेप बैक, हैंड्स अप। टाइम जाया होता है फिर बेकार में। पानी का है, ड्रिंक वाटर, पानी लाए प्लीज। देसी घी कढ़ाई, तो उससे जजेस बहुत इंस्पायर्ड हुए, दे वर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम मी, क्योंकि सबका डिफरेंट था और मेरा थोड़ा डिफरेंट था, तो उनको शायद एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। शेफ जलाल, शेफ वर्दा सब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जो सेलिब्रिटी शेफ थे वो तो कढ़ाइयों के वही शौकीन थे, तो फिर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। मुझे कॉन्फिडेंस था, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं अपनी कढ़ाई बेस्ट देती हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम ना होता, जिस तरह मैं ले के चलने वाली थी वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था। स्पीड जो है वो मेरी शुरू से बढ़िया थी, जजेस ने मुझे इस पर बार बार पॉइंट आउट किया कि मैं तेज़ जा रही हूँ और शायद मुझे थोड़ा आहिस्ता काम करना चाहिए, लेकिन ज़ाहरी बात है मैंने इसके साथ बहुत कुछ सोचा था कि मैं कुछ और भी सर्व करने वाली थी, इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत थी, तो मुझे जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करना था ताकि मैं अपनी जो वैरायटी लाने वाली थी उसकी तरफ मूव ऑन कर सकूं। लेकिन फिर से वही मसला। तो तमाम पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी रेसिपीज के साथ रेडी हैं? यस शेफ। तो अब बारी है टेस्टिंग की, शेफ्स देखते हैं क्या कारनामा सर अंजाम दिया है इन तीनों ने इन 40 मिनट में। राफिया से शुरू। बिल्कुल राफिया, फ्रॉम मुल्तान, आ जाए। मजारों का शहर, मजारों का शहर। देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, कलर्स बहुत अच्छे आए करी के, इवन के ऊपर जो चीज के आपने टॉपिंग की हुई है वो ऑन पॉइंट है, मल्ट हुई हुई है, और लेमन का स्लाइस, ग्रीन अनियन की गार्निश, बनाया क्या है ये? हाँ शेफ, इट्स अ चेडर चीज चिकन। लाउडली प्लीज। इट्स अ चेडर चीज चिकन। चेडर चीज चिकन। मेरे पार्टिसिपेंट जो मुल्तान से आए थे उसमें से अरहम भी आउट हो चुका था और माहम भी आउट हो चुकी थी, और अब वो मुझे पंप कर रहे थे कि आपने ज़रूर आगे करना है, आपने अपने हाथ से ये चांस नहीं जाने देना। और जजेस ने कहा था आज 3 शहरों का मुकाबला है जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान है, तो अब देखते हैं कि हर कोई क्या कर पाता है। शेफ, जीरा के अलावा इसमें सॉल्ट नहीं ऐड किया क्योंकि ऑलरेडी डिश जो है वो चीजी थी, तो उसका सॉल्ट ज्यादा हो जाना था, दैट्स व्हाई मैंने उसमें सॉल्ट। मैं ये पूछती आपसे, बट इट्स गुड आपने खुद बताया, वेरी गुड। अब थोड़ा सा इसमें और थोड़ा स्पाइसेस जाना नहीं चाहिए था ताकि देसी थोड़ा सा लुक उसका टेस्ट। और शेफ, इसमें मैंने रेड पेपर का किया है, ब्लैक पेपर भी डाली है, ग्रीन चिलीज भी डाली है, गरम मसाला इसमें मैंने नहीं ऐड किया, जीरा ऐड किया क्योंकि ये मैंने थोड़ा लाइट इसको रखना था और वाइट में रखा। देखिए हमारा अगर फोकस देखा जाए जी, तो हम देसी खाना बना रहे हैं ना। यस ठीक है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। शेफ, वो मुझे लग रहा था कि चीज के साथ ना गरम मसाला शायद उतना अच्छा ना जाए, इसको मैं लाइट वे में ही रखूँ तो वो ज्यादा बेहतर लगेगा कि जीरा, हल्का फुल्के मसाले और चीज,
क्योंकि गरम मसाले के साथ मुझे चीज का कॉम्बो खुद को नहीं समझ आया, क्योंकि ये मैंने खुद ही यहाँ पे खड़े यहीं पर ही क्रिएट किया है। मैंने एडम का दूध, चीज और बटर, तीनों चीजें यूज की। चलें ठीक है, थैंक यू राफिया, जाइए। थैंक यू। नेक्स्ट। बीच में मैं सोच रही थी, मैं थोड़ी डरी भी हुई थी क्योंकि मेरे माइल्ड स्पाइसेस थे और पाकिस्तानी कुजीन में कड़ाही एक बहुत फिट चीज़ है जो ज़बरदस्त है और सबसे इजी है बनानी, और मुझे था कि दिल में था भी कि कहीं वो मुझसे ज़्यादा नंबर ले गई तो गेम से मैं आउट हूँ, क्योंकि नुमान बहुत रिलैक्स कुकिंग कर रहा था, वो अपने प्रॉप्स को ऐसे घुमा रहा था, उसको सब चेयर अप कर रहे थे। उस दौरान ना मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा, क्योंकि जब पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि आप किसके साथ हैं, तो सब ने लाहौर और इस्लामाबाद का नाम लिया और मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो इसलिए मुझे अपना बड़ा अकेला लग रहा था। तो जब शेफ ने मेरा नाम लिया ना कि अगर तुम लोग लाहौर इस्लामाबाद के साथ हो, तो शेफ जलाल ने कहा कि मैं मुल्तान के साथ हूँ, तो मेरी थोड़ी सी हिम्मत बंधी और मैंने कहा अब शेफ जलाल ने कहा मेरी इज्जत रखना, और मैंने कोशिश की कि मैं उनकी इज्जत रखूं। जी नुमान, नुमान क्या बनाया शेफ? मैंने कसूरी मेथी के अंदर जो है कसूरी चिकन बनाया है, और साथ मैंने इसके पूरियां बनाई हैं जो मैंने एडम्स के देसी घी में फ्राई की हैं। थोड़ा पहले हम कसूरी चिकन पे ना आ जाएं। जी कसूरी चिकन। अच्छा कसूरी चिकन जो आपने बनाया है, क्या मैरिनेट किया है इसको? यस शेफ, मैंने इसको योगर्ट में, एडम्स की जो योगर्ट है उसमें मैरिनेट किया था। हाँ। और मैरिनेशन में मैंने इसके अंदर जो है ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और साथ इसके मैंने ब्लैक पेपर सॉल्ट डाला था, उसकी मैरिनेशन मैंने लगा दी थी योगर्ट के अंदर, और फिर उसके बाद मैंने उसको वो करके, फिर उसके बाद मैंने इसको जो है वो कढ़ाई के अंदर बनाया, और साथ में मैंने इसके पूरियां बनाई हैं एडम्स के। पकाते वक्त जो दही का मैरिनेशन आपने किया था उसी के साथ इसको कुक किया आपने? उसी के साथ मैंने कुक किया, और फिर बाद में मैंने फिर और योगर्ट इसके अंदर डाली और साथ क्रीम यूज की मैंने। क्रीम यूज की, इसकी वजह से इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो जी पकड़ी, जो बाइंड जो है ये वो क्रीम की वजह से। चेक, पूरी चेक कीजिए। और साथ में आपने ड्रिंक क्या बनाई है? ड्रिंक मैंने एडम्स की जो नमकीन लस्सी है उसी को यूज़ करते हुए मैंने इसके अंदर जो कोकम्बर यूज़ किए हैं, और कोकम्बर और सॉल्ट को मैंने इसके अंदर ब्लेंड करके एक कोकम्बर की लस्सी बना दी है। आपने अपने 40 मिनट का यानी कि भरपूर इस्तेमाल किया है। यस सर। ऊपर से कसूरी? जी ऊपर से भी मैंने कसूरी इसके ऊपर डाली है, डाली है अरोमा देने के लिए। ठीक है, ले जाओ नुमान। आप ले जाइए नुमान। ककंबर के अंदर मैंने लस्सी बनाई, उसके अंदर थोड़ा सा मेरा नमक ज्यादा हो गया था, क्योंकि नमकीन लस्सी के अंदर मैंने और ज्यादा नमक डाल दिया तो वो थोड़ी सी नमकीन हो गई थी। खैर मेरी जो डिश थी वो बहुत अच्छी थी जब प्रेजेंट किया, तो जब जजेस के सामने गया प्रेजेंट करने के लिए तो नो कमेंट्स, फिर से नो कमेंट्स। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो कमेंट, मुझे था कि कम से कम कमेंट्स तो मिले यार, बैड कमेंट्स मिले, अच्छे कमेंट्स मिले, कम से कम कमेंट्स तो मिले, मैं एक सेफ जोन में जाऊँ या एलिमिनेशन में जाऊँ। मुझे पता था कि मैं एलिमिनेशन में हूँ या सेफ, कुछ पता ही नहीं था कि एलिमिनेशन में हूँ या सेफ जोन में हूँ, तो बिल्कुल ही ब्लाइंड हो गया, पहले से बिल्कुल ब्लाइंड थे, फिर दोबारा इतना वो सस्पेंस, मतलब कि सब आउट ऑफ द बॉक्स था, हर चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स चल रही थी, और ये था कि लाहौर को लेकर नहीं डूबना, बस ये था कि लाहौर को लेकर नहीं डूबना। आ जाओ। क्या बनाया? कढ़ाई? देसी घी कढ़ाई। कढ़ाई सही है। तो सर्विंग का टाइम नहीं मिला? चूल्हा नहीं जल रहा था उस वजह से प्लेटिंग नहीं कर सकते। ठीक है,
ये तो अब चलें, कढ़ाई है ना, कढ़ाई में आपने सब कर दिया, खत्म हो गई बात। हाँ। कढ़ाई कढ़ाई में ही सर्व होती है तो इट्स ओके। मैंने एक हिंट आपको दिया था जी। काउंटर पे जी। कि जब आप कढ़ाई बना रही तकरीबन कंप्लीट पे थी जी। तो मैंने कहा इसमें आप कुछ और ऐड करेंगी जी। तो आपने कहा हाँ, मैंने कहा मैं वो बात बताऊंगा नहीं जी। इसमें अगर आप लास्ट में एंड में बटर ऐड कर देती, वो करना चाहती थी तो क्यों नहीं किया? टाइम बिल्कुल, उससे सॉल्ट भी बैलेंस हो जाता और आपका खाना भी मजेदार बन जाता। ले जाइए, थैंक यू, गुड जॉब। गुड जॉब, थैंक यू, गुड जॉब जोहा, थैंक यू। बैतूल, बैतूल के लिए एक दफा फिर तालियां बजाओ यार। चलो, कढ़ाई में जो स्पाइसेस थे वो मैंने कहा था कि लास्ट पे, मैं यही सोच रही थी कि मैं लास्ट पे उसको थोड़ा सा टच दूंगी और उसका जो है बटर के साथ कॉम्बिनेशन देने वाली थी, और बटर के साथ जब मैं कॉम्बिनेशन देती तो वो सारी चीज़ें मेरे हाल में सही स्पाइसेस जो है वो इक्वल हो जाते, ऑन पॉइंट हो सकती थी, बेस्ट हो सकती थी, लेकिन स्टिल मैंने जो है वो टेस्ट जो की थी मुझे बेस्ट लग रही थी। कुछ गलतियाँ थीं जो मैं खुद से चाह रही थी कि मैं इसको सही करूं, लेकिन टाइम ख़त्म हो चुका था। और जजेस ने जो सबसे जो मैंने अपनी बीच में वेरिएशंस की, बार बार सेलेब्रिटी शेफ भी आ रहे थे, वो भी पॉइंट आउट कर रहे थे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत डीपली मैं हम नोटिस किया है और उन्होंने मुझे इसकी अप्रिसिएशन भी दी है कि ये जो चीज़ है ये हमने कभी नहीं देखी जो आप कर रही थी। जैसे कि मैंने ग्रीन चिली जो है वो पूरी ऐड की थी, तो वो फ्लेवर देने के लिए जस्ट, तो वो ज़बरदस्त था। ये मेरे ख्याल में जो मैं घर में बनाती थी वो यहाँ पे काम कर रही थी। तो पार्टिसिपेंट्स, कैसा लगा आपको आज का टास्क परफॉर्म करके? बहुत अच्छा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। आवाज क्यों ही निकल रही अच्छा है, हालतें बुरी हो गई सबकी? नहीं, आवाज नहीं आई। कैसा लगा टास्क परफॉर्म अच्छा करके? अच्छा लगा शेफ, अच्छा लगा। बैतूल को कैसा लगा? अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा? नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और मैं समझती थी कि कढ़ाई मेरी एक्सपर्टी है, लेकिन मैं उसको उस तरह नहीं कर सकी। बैतूल, कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि जो हमें लगता है कि हमारी एक्सपर्टी है और हम हमेशा बेस्ट कर देते हैं, कभी कभी कुछ किस्मत भी होती है जो डिपेंड करता है कि वो आपका साथ कैसे दे रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। तो आप तीनों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं। जो कुछ भी होना था वो तो हो गया, अब हम इसको एक तरफ वाइंड अप करते हैं और चलते हैं हकीकत की तरफ। और प्लीज अनाउंस करें, और जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि जिस तरह से अभी जलाल ने बताया कि ख्वातीन होने के बावजूद इन्होंने इतनी मेहनत की है, तो मैं ये कहूँगा कि एडम्स जो आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है ख्वातीन के लिए ख़ास तौर पे, तो जहाँ पर पाकिस्तान में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, मर्दों के साथ साथ ख्वातीन को भी जो है इस तरह के चांसेस मिल रहे हैं, और एडम का बहुत शुक्रिया, मैं अपनी तरफ से थैंक्स करूँगा कि बराबर की सतह पर मर्द और औरत दोनों काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह से एडम और हम सब मिलकर इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह से ख्वातीन की सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो फाइनली अब वो घड़ी आ गई है जब हम में से कोई एक बिछड़ जाए, और वो कौन होगा इसका फैसला हो चुका है, लेकिन अब आपको और इन तीनों को पता चलेगा। क्या लगता है आप तीनों को? एनी गेसेस? शेफ, सबने अपना अच्छा दिया है। सबने अपना अच्छा दिया है, दैट्स ट्रू। इस वक्त वाकई हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था कि किसको निकालें और किसको नहीं। देसी कुजीन में सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नमान, आप सेफ जोन में हैं, एक स्टेप पीछे हो जाएं। राफिया,
आपने जीरे की रोटी बनाई थी, नमक नहीं था उसमें, आपने जो चिकन बनाई थी वो आपने खुद चखी थी, चखी थी, ठीक है, लेकिन जोहा और बैतूल, जोहा बैतूल राइट, आपने भी अपनी कढ़ाई चखी या चखी ही नहीं? चखी थी फ्लेवर्स थे? यस बिल्कुल थे, आपने भी चखा था। जोहा आप एक स्टेप पीछे चली जाइए, आप सेफ जोन में नहीं हैं, आप आगे आ जाइए और आप दोनों जा रहे हैं हमारे अगले राउंड में। सो कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, आप दोनों अपने काउंटर पे जा सकते हैं। जोहा बैतूल ये आपका आखिर फुल स्टॉप नहीं है शेफ। बिल्कुल जोहा, जो तुमने बनाया और जिस टाइम के अंदर तुमने रेसिपी क्रिएट की और अपना 100% दिया और ये भी करना बहुत था, ठीक है, और इतने प्रेशर के अंदर और जिस तरह से तुमने काम किया, आउट ऑफ द बॉक्स, सीरियसली गुड जॉब, गुड जॉब। टाइम नहीं मिला मुझे कि कढ़ाई मेरी तैयार थी उसको मैं प्लेट के अंदर सर्व कर सकूँ, इस चीज़ का बेहद दुख है, लेकिन मैंने अपनी कढ़ाई को कढ़ाई इसलिए दिया था क्योंकि वो एक कढ़ाई थी, तो मैंने उसको ऐसे ही जजेस के सामने प्रेजेंट किया कि टाइम मैनेजमेंट के अलावा इस बेसिकली कढ़ाई, तो ये मेरी कढ़ाई है, ये मेरी चपाती है, जिन चीज़ों पे शुरू में मैं कमांड रखती थी वो चीज़ें मेरी बेस्ट थी, चिकन मेरा फुली कुक था, थोड़ा सा स्पाइसेस का बताया, हेर फेर हुआ जिसकी वजह से एलिमिनेशन हो गई। यार तुम इतनी प्यारी हो, इतनी खूबसूरत हो और तुम ऐसे रोगी हैं, इतना मेहनत किया है और उसके बाद ऐसे, हाँ बस चुप, शाबाश, चुप हो जाओ। आप यहाँ तक पहुँची हो, ये बहुत बड़ी बात है यार, जीत है, बहुत बड़ी बात है। तकरीबन 350 लोगों में से तुम यहाँ पर आए हो, बिल्कुल सही है ना, ऐसे ही, तो यहाँ पर आना भी बहुत बड़ी बात है और तुम ये लेवल क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे हो, समझ रहे हो, अब हार जीत लगी रहती है, कम ऑन, बस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए, जाओ अपने काउंटर पे, कम ऑन, चलो गो, चलो तालियां भाई। मैं अपना बेस्ट देना चाहती थी, एलिमिनेशन हो भी जाती कोई मसला नहीं था, बेस्ट के साथ जाती तो मुझे ख्याल में कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन बस थोड़ी सी जो आज भूल हो गई बस सारी जिंदगी याद रहेगी। एडम्स मेरी लाइफ का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने इंडिविजुअली एज अ टीम परफॉर्म किया और एक मास्टर शेफ की कह सकते हैं कि मुकाबले में था, तो सीखने को तो बहुत कुछ मिला, कोई मसला नहीं, एलिमिनेशन हुई, नेक्स्ट टाइम जब होगा आई विल परफॉर्म बेस्ट और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो क्वालिफाई करके ही जाऊंगी, हिम्मत नहीं हारने वाली। आज का जो टास्क था वो यहाँ पे होता है ख़त्म, एक हम में से आज फिर बिछड़ गया, लेकिन एक की बारी और है और वो बारी आएगी कल एक नए टास्क के साथ, और वो टास्क क्या होगा इसके लिए स्टे ट्यून्ड टू एडम शेफ, सी यू टुमारो।